हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि टोटल अगर मैं बात करूँ तो 22 क्वेश्चन है आज के सेशन में। और आई थिंक यहाँ से आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, जहाँ तक मुझे लगता है। कहीं ना कहीं आपको ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हुए हैं, और जो आज तक पेपर हुए हैं तो आप जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए उठा के देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमेशा बने हैं उस पेपर में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट का आप लोग आंसर दीजिए। एक शिक्षिका का यह विश्वास है कि मानव भाषा की उसी तरह सीखता है जैसे वो अनुभव के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल तथा योग्यताएं सिखाता है। वे किस सिद्धांतवादी के विचार से सहमत है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन को आ गया यहाँ पे, सी इज द करेक्ट आंसर। स्किनर की बात की जा रही है, इमिटेशन की बात की जा रही है, ठीक है, नकल की। तो सी इज द राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो, ठीक है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पे, बी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करेंगे, तो बच्चा क्या करेगा, सीखने में क्या होगा, पठन के अंत में अभ्यास और गतिविधियां बिल्कुल करेगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः किस पर निर्भर करनी चाहिए? भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः किस पर निर्भर करनी चाहिए? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण पर निर्भर करता है। बी इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, डी इज द करेक्ट आंसर, गेयता। गेयता इज द राइट आंसर का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है? आंसर डी इज द राइट आंसर, मौन पठन आपकी जो होती है अर्थ की गहनता को समझने में सर्वाधिक रूप से सहायक होता है। डी इज द करेक्ट आंसर, मौन पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया, राइट आंसर होगा यहाँ पे, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय आने से पूर्व बच्चे, आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे, सी इज द करेक्ट आंसर होगा, अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता में लैस होते हैं। लैस मीन्स कम नहीं होते हैं, दक्षता होती है उनपे, कैपेसिटी होता है, इसका मतलब होते हैं, ठीक है, कि अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता में लैस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। डी इज द करेक्ट आंसर, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे, बी इज द करेक्ट आंसर, भाषा प्रयोग के अवसर देना, भाषा प्रयोग के अवसर देना, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है? भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है? तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, कार्यालयी भाषा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टफोलियो मदद करता है तो राइट आंसर, क्रमिक प्रगति का आकलन करने में आपका पोर्टफोलियो मदद करता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे, डी इज द करेक्ट आंसर, परस्पर अंतःक्रिया द्वारा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बुनियादी चरण की अवधि क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बुनियादी अवधि क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, तो 3 वर्ष की है, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, 3 वर्ष, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत बच्चों में भाषा विकास का स्रोत है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे, बच्चों के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा अक्सर बोली जा रही भाषा, डी इज द राइट आंसर होगा, बच्चों के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा अक्सर बोली जा रही भाषा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बच्चे की पूर्व भाषिक अवस्था की विशेषता है, बच्चे की पूर्व भाषिक अवस्था की विशेषता है। राइट आंसर रोना, कुनकुनाना, बलबलाना, ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर की भाव भंगिमा, हाव भाव और देखने का डैश तरीका के उदाहरण है। राइट आंसर होगा अशाब्दिक व्यवहार, अशाब्दिक व्यवहार बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी भाषाओं में नियमों की व्यवस्था होती है जो बोलने वालों की शब्दों को जोड़ने और अर्थ प्रेषित करने में मदद करती है। नियमों की यह व्यवस्था, राइट आंसर होगा वाक्य संरचना, वाक्य संरचना ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दृष्टिकोण है कि भाषा हमारे विचारों को आकार देती है। उदाहरण के लिए, हम दुनिया के बारे में जिस तरह से चिंतन करते हैं और देखते हैं, भाषा उसका निर्धारण करती है, ये संबंधित है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे स्फीयर फोर्स, फोर्स की प्राकल्पना, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर होगा अर्थ निर्माण, अर्थ निर्माण ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा शुरुआत से पहले ही भाषा की और को आत्मसात कर पूर्व भाषिक क्षमता रखते हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे चुनौतियों, चुनौतियां अवसर, चुनौतियां और अवसर हो जाएगा यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर, चुनौतियों और अवसरों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालिका ने अभी हाल ही में बुनियादी चरण में प्रवेश लिया है। वह दीवारों और फर्श पर इस तरह की आड़ी तिरछी लकीरें खींचती है जिनका कोई आकार प्रतिरूप नहीं है। बच्चों के भाषा विकास के इस कार्य को किस रूप में जाना जाएगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे यह संज्ञानात्मक विकास का भाग है, यह संज्ञानात्मक विकास का भाग है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाषा के बारे में कौन सा सही है? निम्नलिखित में से भाषा के बारे में कौन सा सही है? तो राइट आंसर होगा प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है, प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है, डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। ये आज के 20 क्वेश्चंस थे। और पेडागोजी में आपको केवल 15 मार्क्स पूछा जाता है। तो हम 5-6 महीने क्लास लिया है, 5-6 क्लास अभी तक हो गई आपकी हिंदी पेडागोजी की, और जब तक आपका पेपर होगा तब तक मैं आपको पूरे 15 और 15 मार्क्स के लिए पेडागोजी करवा दूंगी। उसके बाद एक गद्यांश पद्यांश का पैराग्राफ रहता है, किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो इजीली से उसको अटेंड कर लेंगे जो फर्स्ट टाइम अगर क्लियर करना चाहता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।